श्री निहाल चंद जी महाराज साहब की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की जय। तपस्व रत्न पूज्य गुरुदेव राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की जय। पर्वधिराज महापर्व परिवेषण का आज सप्तम दिवस, जिसके अंतर्गत अब तक हमने 7 वर्ग संपन्न किए, आज 8वां वर्ग अंतकृत सांग सूत्र का। गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन नमन। नमोत्थुणम श्रमणस्य भगवो महावीरस्य। अठम वर्ग पहला अध्ययन। जैनम भन्ते समणिनम जाव संपत्तेणम अठमस अंगस अंतकर दशाणम सप्तमस वग्गस अयमठे पन्नते अठमसणम भन्ते वग्गस अंतकर दशाण समणिनम जाव संपत्तेणम के अठे पन्नते एवं खलु जम्मु समणिनम जाव संपत्तेणम अठमस अंगस अंतकर दशाणम अठमस वग्गस दस अध्ययन पन्नता तंजहा काली सुकाली महाकाली कन्ना सुकन्ना महाकन्ना वीरकन्ना यबोद्धवा रामकन्ना तहे व्यय पीयु सेणकन्ना नवमी दशमी महासेणकन्नाय जैनम भन्ते अठमस वग्गस दस अध्ययन पन्नता पडमसणम भन्ते अध्ययनस समणेनम जाव संपत्तेणम के अठे पन्नते एवं खलु जम्मु तेणम कालेणम तेणम समयेणम चंपाणाम नैयरियोत्ता पूर्णबद्ध चेये तत्थणम चंपा नैयरिय श्रेणीयस रण्णु भज्जा कोणिस्स रण्णु
चुल्ला माउया काली नामम देवी होता वर्णव जहा नंदा समाई यमायाईम यकार अंगाई महिजही बहुईम चौथम छठ छठीम छठ मठीम जाव अपमा अपणम भाव्य माणे बिहरई तैणम स काली अज्जा नया कयाईम जेणे व अज चंदना अज तेणे व उवा गया उवा गच्छित एवं वयासी छामीणम अज्जाओ तो बेहिम अभ्यनय समाणी रयणावलिम तव कमम उ संपज्जिताणम बिहरित आहासुहम देवाणुपियमा परिवंद करया तैणम स काली अज्ज अज चंदनाय अभ्यनय समाणी रयणावलिम तव कमम उ संपज्जिताणम बिहरे तंजहा चौथम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता छठम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठ छठाईम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौथम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता छठम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता दशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता द्वादशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौदशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता सोलशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठारशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता बीसमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता बाविशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौबीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता छब्बीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठावीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता तीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता बत्तीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौंतीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौंतीस छठाईम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौंतीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता बत्तीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता तीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठावीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता छब्बीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौबीसमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता बाविस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता बीस इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठारह इमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता सोलशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौदशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता बारहशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता दशमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता छठमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौथमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठ छठाईम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता अठमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता छठमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता चौथमम करी करिता सव काम गुणियम पारि पारिता सव काम गुणियम पारि एवं खलुषा रेणावलिये तव कमस्स पड़मा परिवाड़ी एगिणम संवत्सरेण तिहिं मासिहिं बाविसाय अहोरत्तिहि महासुत्तम जाव आराहिया भवै तयानंतरम चरणम द्वचाय परिवाड़ीय चौथम करे करिता विग इवज्जम पारि पारिता छठम करे करिता विग इवज्जम पारि पारिता एवं पड़माय परिवाड़ीय तहा विहाय वि नवरम सवत्थ पारणय विगैवच्चम पारे जाव आराहिया भवै तयनंतरम चरणम सच्चय परिवाड़ीय चौथम करे करिता आ अलेवाड़म पारे शेषम तहेव एवं चौथा परिवाड़ी नवरम सवतम पारणाय ऐमिलम पारे शेषम तम चेव पड़मम्मे सव काम पारणयम बिहियय विगैवच्चम तैयम्मे अलेवाड़म ऐम्बिलाओ चौथम्मे तैणम स काली अज्जारेणावलिम तौ कमम पंचहिम संवत्सरिम दोहिम मासिहिम अठाविसाय दिवसिम आहासुतम जाव आराहिता जेणेव अज्ज चंदना अज्ज तेणेव उगया उगच्छित्ता अज्ज चंदनम बंदई नमम सही बंदिता नमम चित्ता बहुहिम चौथम छठमम
दशमं दुआलसिहिं तवुकमहिं अप्पाणं भावेमाणि विहरहि तेणं सकलि अज्जा तेणं ओरालेणं जावधमणि संतया जायया व्योतासि जहां नामये इंगाल सगडिवा जाव सुहुय हुयासने इव भास रसि पलिच्छन्ना तेणे तवेणं तेणं तव त्य सिरिये अव अव उव शोभेमाणि चिठै तैणं तिशे कालियज्जाय अन्नया कयायं पुवरत्त वरत्त काले अयमज्जथियजः हन्दयस्स चिन्ता जाव अथि उठाणे कम्मे बलिवीर्ये पुरिशक्कर परकम्मे सद्धाधि संवेगे वा ताव मेषयं कल्लं जाव जलन्ते अज्ज चन्दनम् अज्ज आपुचित्था अज्ज चन्दनाय अज्जाय अभनुन्नायाय समाणीय संलेहणा झूषणा झूषियाय भत्त पाण पड़ियाय जिखाय इखाइये कालम अणवकंघ माणीय विहरितये टिकट्टु एवं संपेहि संपेहिता कल्लम जेणेव अज्ज चंदना अज्ज तेणेव उगछे उगछिता अज्ज चंदनम अज्ज वंदय नमं से वंदिता नमं सिद्ध एवं वयासी इच्छामिणम अज्जाव तुभ्यम अभ्यनुनाय समाणीय संलहणाय जाव विहरितय आहासुहम देवाणुप्रिया मा परिवंदकर्या तौ काली अज्ज अज्ज चंदनाय अज्जाय अभ्यनुनाय समाणी संलहणाय झूषणा झूषिया जाव विहरे सा काली अज्ज अज्ज चंदनाय अज्जाय अंत्य समयमाय मेकार संगाय महि जित्ता बहु पड़ी पुण्याय अठ संवत्सराय सामन्न परियागम पावणित्ता मसीयाय संलेहणाय अप्पाणम झूषित्ता षठ्ठीं भत्ताय अणसणाय छेदित्ता जसठ्ठाय क्रियाय नग भावे जाव चरि मुस्सास निसा सेहिं सिद्धा उख्यवौ व्यसजेण सेवं खलु जम्मु तेणं कालेणं तेणं समयणं चम्पानामं नेहरि पूर्णभद्रे चैये कोणीयराय तत्थाणं श्रेणीयस्सरण्णु भज्जा कोणीयस्सरण्णु चुल्लमाऊया सुकालीनामं देवीहोत्था जहा काली तहा सुकाली विणिखन्ता जाव बहुहिं चौथं जाव अप्पाणं भावेमाणि विहरहि तैणं सा सुकाली अज्ज अन्नया कयायं जेणव अज्ज चंदन अज्ज जावैच्छामिणम् अज्ज ओतुभ्यं अभ्यनुन्नाया समाणि कणगावली तौ कम्मं उवसंपज्जितानं विहरित्तये एवं जहारेणावली तहा कणगावली वीणवरं तिसुठाविष्वठामायं करे जहारेणावली छठ्ठाई में काय परिवाड़िये संवत्सरो पंचमास बारसय अहोरत ता चौनम पंच वरिषा नवमासा अठारस दिवसा शेषम तहेव नववास प्रियाव जाव सिद्धा एवं महाकालिवी नवरम खुड्डागम सिहणिकीलियम तवकम्मम उसंपज्जितानं विहरे तंजहा चौथम करिकैत सवकाम गुणियम पारिपारिता छठमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता चौथम करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता अठमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता छठमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता दशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता अठमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता द्वादशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता दशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता चौदशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता बारशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता सोलशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता चौदशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता अठारशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता सोलशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता विषयमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता अठारह समम करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता विषयमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता सोलशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता अठारह समम करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता चौदह समम करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता सोलशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता बारह समम करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता
चौदशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता, दशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता, बारसमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता, अठमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता, दशमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता, छठम करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता, अठमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता, चौथमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता, छठमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारिपारिता, चौथमं करिकरिता सवकाम गुणियं पारि तहेव चत्तारि परिवाड़ीय काश परिवाड़ीय छम्मासा सत्ताय दिवसा चहुन्नम दो वारिसा अठाविशय दिवसा जाव सिद्धा एवं कन्नाविनवरम महा सिहणिखिलियम तौकमं जहेव खुड्डाग नवरम ज्योतिष इमं जावर्णयाब्बम तहेव उषारेयब्बम एकाय परिवाड़ीय एगम वरिषम छम्मासा अठारशया दिवसा चौनम छम वरिषा दो मासा बारशया होरत्ता शेषम जहाकाली ये जाव सिद्धा एवं सुकन्ना विनवरम सत्ता सत्तमियम विकुपणिमम व संपज्जिताणम विहरहि पड़मे सत्तय एक एकम भोयणस्य दत्तिम पड़िगाहेहि एक एकम पाणगस्य दुच्चे सत्तय दो दो भोयणस्य दो दो पाणगस्य तच्चे सत्तय तिन्नि भोयणस्य तिन्नि पाणगस्य चौथे चौ पंचमे पंच छठे छठ सत्तमे सत्तय सत्तदत्तियो भोयणस्य पड़िगाहि सत्त पाणगस्य एवं खलु सत्त सत्तमियं भिक्खु पड़ियं एगुण पन्नाय रायति एहिम एगेण य छन्न उएण भिक्खासेण आहासुत्तम जाव आहा आरहित जेणेव अज्य चंदन अज्जा तेणेव उवगया अज्य चंदनम अज्जम बंदैनमं से बंदितानमं सितैवं वयासे छामेणम अज्जाओ। तो भेम अभ्यन्नाय समाणि अठि ठमियम विकुपड़िमम व संपज्जिताणम विहरित आहासुहम देवाणु पियामा परिवंद करेहा तैणम स सुकन्न अज्ज अज्ज चंदनाय अज्जा ए अभ्यन्नाया समाणि अठमी अठठमियम विकुपड़िमम व संपज्जिताणम विहरहि पड़मे अठये एकेकम भोयणस दत्तिम पड़िगाहि एकेकम पाणगस दत्तिम जाव अठमे अठये अठठ भोयणस दंति पड़ीगा हे अठ पाणगस बिकु पड़िमम चौस राय दि एहिम दुनिम य अठासी एहिम विकास एहिम महासुतम जावा राहिता नव पड़िमम व संपज्जिताणम विहरहि पड़मे नवये एकेकम भोयणस दंतिम पड़िगाहि एकेकम पाणगस जाव नवमे नवये नवण वदन्ति भोयणस्य पड़िगाहि नव पाणगस्य एवं खलु नव नवमियं विखो पड़िमं एकासीं रायं दिये इं चौहिं पंचोत्तरहिं विखास एहिं आहासुतं जावारहिता दश दशमियं विखो पड़िमं व संपजितानं विहरहि पड़मे दश एकेकं भोयणस्य दन्तिं पड़िगाहि एकेकं पाणगस्य जाव दशमे दश दश भोयणस दश दश पाणगस्य एवं खलु इयं दश दशमियं भिक्खु पड़िमं एकेणं राय दियसेणं अद्ध छठेहिं भिक्खा स एहिं आहासुतं जाव आरहि आरहिता बहुहिं चौथं जाव मासधमास बिहिवि विविह तव कम्मिहिं अप्पाणं भावेमाणे विहरहि तेणं स सुकन्ना अज्जा तेणं उरा लेणं जाव सिद्धा। एवं महाकन्नावि नवरम खुड्डागम सब ओभद्धम पड़िमम व संपज्जिताणम विहरहि तंजहा
चौथम करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता छठमम करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता अठमम करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता दशमम करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता द्वालसमम करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता अठमम करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता दशमम करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता द्वालसमम करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता चौथमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता छठमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता चौथमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता षठमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता दशमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता छठमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता दशमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता चौथमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता दशमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता चौथमं करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता छठम करे करिता सव काम गुणियम पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियम पारि एवं खलु य खुड्डाग सव उभद्दस्त तव कम्मस्त परमं परिवाडिं तिहिं मासेहिं दशहिं दिवसेहिं आहसुतं जाव आरहिता दुच्चाय परिवाडीय चौथं करे करिता विग इवज्जं पारि पारिता चहरयणावलिये तहा तत्थवि चत्तारि परिवाडीय पारणा तहेव चहुन्नं कालो संवत्सरु मासु दशय दिवसा शेषं तहेव जाव सिद्धा एवं वीरकण्णवि नवरं महालयं सव उबद्धं तव कम्मं वसंपजितानं विहरेतञ्जः चौथं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता छठं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता दशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौदशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता सोलसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता पडमालया दशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौदशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता सोलसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौथमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता छठम करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता बियलया सोलसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौथमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता छठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता दशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौदशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता दशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौदशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता सोलसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौथमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता छठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौथिलया चौदशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता सोलसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौथमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता छठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता दशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता पंचमी लया छठम करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता दशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौदशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता सोलशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौथम करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता छठी लया द्वालसमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौदशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता सोलशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता चौथमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता छठम करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता अठमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता दशमं करे करिता सव काम गुणियं पारिपारिता सप्तमी लया एकाए कालो अठमास पंचाय
दिवस चौहन्नम दोवास अठम मास विषम दिवस शेषम तहे वझाव सिद्धा। ये सप्तम अध्ययन समाप्तम, आज इतना ही, बाकी का कल। श्री आगमे तिरीय पणते तंजह सत्तागमे अर्थागमे तदुभयगमे, ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो के अतिचार लगा हो तुम्हें आलों जम वैदम बच्चा मिलियम हिणक्रम अच्छक्रम पयनम विनयनम जोगेनम घोषणम सुठुडनम डुटुपरीक्षम अकाले कव सज्जाओ काले न क सज्जाओ सज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की कोई अविनय आसतना की हो तो बारम्बार तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सत्य अहिंसा अनेकांत ही जिसका शुभ संदेश है, सत्य अहिंसा अनेकांत ही जिसका शुभ संदेश है, पर्वराज पर्युषण आए मंगलमय परिवेश है, मंगलमय परिवेश है। सत्य अहिंसा अनेकांत ही जिसका शुभ संदेश है, पर्वराज पर्युषण आए मंगलमय परिवेश है, मंगलमय परिवेश है। आज बहारे फूल चढ़ाए प्रकृति गाए रागिणी, नदियों की कल कल कहती है ये घड़ियां मन भावनी। आज बहारे फूल चढ़ाए प्रकृति गाए रागिणी, नदियों की कल कल कहती है ये घड़ियां मन भावनी। विश्वमैत्री का पाठ पढ़ाए और मिटाता कलेश है, विश्वमैत्री का पाठ पढ़ाए और मिटाता कलेश है, पर्वराज पर्युषण आए मंगलमय परिवेश है, मंगलमय परिवेश है। आज प्रकृति आज तरंगित देखो कण कण में उल्लास है, कण कण में उल्लास है। मानवता का कमल खिला है पाया प्रेम विकास है, पाया प्रेम विकास है। उठो उठो ये मानव सारे छाया नव उन्मेष है, उठो उठो ये मानव सारे छाया नव उन्मेष है, पर्वराज पर्युषण आया मंगलमय परिवेश है, मंगलमय परिवेश है। सत्य अहिंसा अनेकांत ही जिसका शुभ संदेश है, सत्य अहिंसा अनेकांत ही जिसका शुभ संदेश है, पर्वराज पर्युषण आया मंगलमय परिवेश है, मंगलमय परिवेश है। क्षमा भाव की थाली में अब प्रेम के दीप जलाना है, प्रेम के दीप जलाना है। क्षमा भव की थाली में अब प्रेम के दीप जलाना है, सहिष्णुता की मंगलमाला आरती यही सजाना है,
सहिंसुता की मंगलमाला आरती यही सजाना है। स्वागत करिए परिसन का, स्वागत करिए परिसन का, कुमुद आनंद विशेष है। पर्वराज पर्यसन आया, मंगलमय परिवेश है, मंगलमय परिवेश है। सत्य अहिंसा अनेकांत ही जिसका शुभ संदेश है। सत्य अहिंसा अनेकांत ही जिसका शुभ संदेश है। पर्वराज पर्युषण आया, मंगलमय परिवेश है, मंगलमय परिवेश है, मंगलमय परिवेश है। जितने भी भाई बहने जो तपस्या कर रहे हैं देश भर में, तो उनके लिए एक तपस्या का गीत प्रेषित है। तपस्या की महिमा पार, तपस्या गुणकारी, तपस्या की महिमा पार, तपस्या गुणकारी, तपस्या से होवे उद्धार, तपस्या गुणकारी, तपस्या से होवे उद्धार, तपस्या गुणकारी। तप में अद्भुत शक्ति है, तप में अद्भुत शक्ति है, यह सब शास्त्रों का सार, तपस्या गुणकारी। तप की महिमा पार, तपस्या गुणकारी, कर्मों के बंधन कटे, कर्मों के बंधन कटे, हटे अशुभ कर्म का भार, तपस्या गुणकारी। तपस्या की महिमा पार, तपस्या गुणकारी, कलुषता मन की मिटे, कलुषता मन की मिटे, लो समता मन में धार, तपस्या गुणकारी। तप की महिमा पार, तपस्या गुणकारी, तपस्या से होवे उदार, तपस्या गुणकारी। तप का दीपक नित जले, तप का दीपक नित जले, जल जाए मन का खार, तपस्या गुणकारी, जल जाए मन का खार, तपस्या गुणकारी। तपस्या की महिमा पार, तपस्या गुणकारी, हर्षित मन तपस्या करो, हर्षित मन तपस्या करो, खुल जाए मुक्ति द्वार, तपस्या गुणकारी। तपस्या की महिमा पार, तपस्या गुणकारी, तिल अठाई तप किया, तिल अठाई तप किया, वो भाग्यशाली नार, तपस्या गुणकारी, वो भाग्यशाली नर नार, तपस्या गुणकारी।
तपस्या की महिमा पार तपस्या गुणकारी तप करे उन्हें धन्य है तप करे उन्हें धन्य है अभिनंदन सतवार तपस्या गुणकारी अभिनंदन सत सतबार तपस्या गुणकारी तपस्या की महिमा अपार तपस्या गुणकारी गुरु विशाल प्रेरण दिया गुरु विशाल ने प्रेरण दिया तपस्या की आई बहार तपस्या गुणकारी गुरु सुमति ने प्रेरणा दी गुरु सुमति ने प्रेरणा दी तपस्या की आई बहार तपस्या गुणकारी तपस्या की आई बहार तपस्या गुणकारी मुनि जिनेन्द्र हर्षित सभी मुनि पुनित हर्षित सभी हुई गीतों की गुंजार तपस्या गुणकारी हुई गीतों की गुंजार तपस्या गुणकारी तपस्या की महिमा पार तपस्या गुणकारी तपसे हो बे उद्वार तपस्या गुणकारी तपसे हो बे उद्वार तपस्या गुणकारी तपस्या गुणकारी पुरुषण महापर्व का संदेश है नारी जागरण और नारी उत्थान। इस सातवें पर्व पर सातवें पुरुषण महापर्व का ये विशेष विषय रखा हुआ है कि समाज में नारी जागरण हो और नारी जाति के ऊपर अन्याय अत्याचार न हो और नारी जाति का उत्थान हो, ये अंतगढ़ सूत्र में
इस सातवें दिन सातवें पुरुषण महापर्व का विशेष संदेश रखा गया है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जहाँ आध्यात्म बोध देने वाले थे, उन्होंने अपने जीवन में हजारों प्रकार के सामाजिक बुराइयों को दूर किया, सामाजिक क्रांति जो है लेकर के आए, हिंसा अन्याय अत्याचार को दूर करने का प्रयत्न किया। बचपन में राज परिवारों में जो हजारों लोग निर्दोष पशुओं की हत्या करते थे, शिकार करते थे, उसके ऊपर उन्होंने बंदीश लगवाई, कानून बनवाए। राजा महाराजा राजकुमार राजकुमारियां ये सोचते थे भाई जंगल में जाओ और निरपराध पशुओं का शिकार करो, शिकार करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। महावीर ने अपने वर्धमान अवस्था में, अपने किशोर अवस्था में, क्योंकि जो है उनके नाना चेतक जो थे वो 18 देशों के राजा थे, 9 लिच्छवी और 9 मल्लवी, 18 जो राजा के राजा थे महाराजा चेतक। उस समय गणतंत्र था हमारे देश में, तो लिच्छवी 9 लिच्छवी मुकुटबंद राजा और 9 मल्लवी मुकुटबंद जो राजा थे, उन 18 राजाओं के ऊपर वैशाली नरेश सबसे बड़े राजा कहलाते थे। तो उन 18 रजवाड़ों के अंदर कोई भी समस्या होती थी उनका समाधान वैशाली में होता था। और चेतक वर्धमान भगवान महावीर स्वामी के नाना जी थे और कभी भी, अब इतने राज्य थे, इतने रजवाड़े थे, तो कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई मुसीबत महाराजा चेतक के सामने आता ही रहता था। क्योंकि एक रजवाड़ा तो नहीं था, 18 रजवाड़े थे, और रजवाड़े वाले किस तरह से लड़ते झगड़ते हैं आप लोग राजस्थान मेवाड़ मारवाड़ के इतिहास को जानते ही हैं, वह लड़ना मरना इसके सिवाय कुछ जानते नहीं थे। वही लड़ने मरने में सारा देश जो है वो गुलाम हो गए, वरना ये लोग आपस में लड़ने मरने से बच करके अगर सहयोगी होते क्या मजाल था। कोई मुसलमान कोई अंग्रेज इन रजवाड़ों को गुलाम बना सके। और अकबर ने भी बड़े से बड़ों के पदों के ऊपर इन्हीं राजाओं को रख करके उसने विजय प्राप्त कर थी। तो हमारे देश में क्या सारी दुनिया में कहीं गुस्सा है, कहीं अभिमान है, कहीं लोभ है, कहीं विषय वासनाएं हैं, बल लड़ने मरने की प्रवृत्ति हमेशा। तो महाराजा जो चेतक थे 18 गणराज्यों के अंदर सबसे बड़े, जब भी कोई ऐसी भारी समस्या आती थी तो अपने द्वेते को बुलाते थे, वर्धमान को बुलाते थे कि भाई इस समस्या का समाधान करना, या फलाने रजवाड़े के अंदर ऐसी हालात हो रही है वहां पर जाना, या ऐसा विवाद हो रहा है उसको क्या करना है, दूर करना है। तो इस प्रकार बचपन में और किशोरावस्था में जाते जाते वो तमाम राजा और रजवाड़ों के अंदर वर्धमान को कई कई बार किसी किसी काम से जाना पड़ता था। तो वहाँ की जो कुरीतियाँ थीं, वहाँ के अन्याय अत्याचार थे, वहाँ का अज्ञान था, वहाँ की बुरी स्थिति थी, उन सबको दूर करते थे। वर्धमान कुमार ने केवल तपश्चर्या की, केवल जो है साधना की, केवल तपश्चर्या करके मोक्ष का मार्ग बतला, इतना नहीं,
वो बचपन से लेकर के, क्योंकि छठी सातवीं छः सात वर्ष के जिस समय हुए थे तो उस समय की परंपरा के अनुसार गुरुकुल के अंदर भेजा जाता था। तो जिस समय गुरुकुल के अंदर भेजा गया उनको पढ़ने के लिए, तो वहाँ के जो मास्टर थे, वहाँ के जो अध्यापक थे, उन्होंने कहा इसको तो सब कुछ आता, क्योंकि वो तो जन्म से ही उनको तीन ज्ञान थे, उनको क्या पढ़ाना था, जन्म से ही सारे कुछ उनको आता था। फिर और बड़े गुरुकुल के अंदर ले गए, और बड़े गुरुकुल के अंदर ले गए, भाई यहाँ पर पढ़ाई कराओ। अब जब पढ़ाई कराने लगते तो उनके सामने जो बड़े बड़े आचार्य थे, बड़े बड़े कुलाधिपति थे, वो तो कुछ भी न बोल सकते थे न उत्तर दे सकते थे, ऐसे उन लोगों की हालात। इसलिए सबने कह दिया था वे वरदान को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सारी दुनिया को पढ़ाने वाला क्या है मास्टर, ये तो अध्यापकों का भी अध्यापक, ये तो आचार्यों का भी आचार्य, इसको कौन पढ़ाएगा। तो वरदान स्वामी 28 वर्ष तक, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, और 28 वर्ष तक तो कम से कम जो युवावस्था के अंदर घूमते फिरते ही तो रहे, उस समय कोई जंगल में जाके तपस्या तो थोड़ी कि कोई ध्यान लगा के थोड़ी बैठ, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी किसी रजवाड़े में जाना, कभी कहीं की समस्या, जहाँ जाते थे वहाँ की बुराइयों को, वहाँ के बुरे रीति रिवाजों को, वहाँ की बुरी आदतों को, वहाँ के राजकुमार राजकुमारियों की आदतों को, राज परिवारों के जेब बुराइयों को, उन सब को क्या करते थे, सुधार करते थे। ऐसे बड़ा भारी क्रांति उन्होंने लाया, बड़े सुधार किए, ये शिकार वगैरह करने की प्रवृत्ति थी सबके ऊपर रोक लगवाया, जगह जगह पर नियम कानून बनवाए। उन्हें कहा भाई अगर तुमने शस्त्र लड़ाना सीखना है, तुम क्षत्रिय हो, रक्षा करना है तो सीखना तो है, लेकिन क्या पशुओं को ही मारना जरूरी है, वो तो निर्दोष है, वो तो हमारे देश की समृद्धि है, हमारे देश की संपत्ति है, यहाँ के वातावरण को अच्छा रखते हैं, अगर निशाना लगाना हो तो खंभा गाड़ करके निशाना लगा, नहीं चलते फिरते पशुओं को मारने का अभ्यास करना। उन्हें कहा उन्होंने जो है रस्सी के कोने के ऊपर उन्होंने पत्थर बांध दिया, या कोई जो है किसी तरह का जो है उन्होंने कोई लकड़ी वगैरह बांध दी और उस रस्सी को पेड़ के साथ बंधवा दिया और उसको हिलाया, अब इसके ऊपर लगाओ निशाना। चलते फिरते पशुओं को मारना ये तुम्हारी बहादुरी थोड़ी है, अगर ऐसा अभ्यास करना हो तो ऐसी चीज लटका दो और उसको घुमा दो, जब वो रस्सा इधर से उधर घूमे उस समय निशाना लगा। तो ऐसे उन्होंने बड़ी बड़ी क्रांतियां की। तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये पुरुषण पर्व का जो सातवां दिवस है ये नारी जागरण से संबंधित, इन विषयों को शास्त्रों के अंदर रखा, पर्वों के अंदर रखा, जिससे जिस समय सारी दुनिया इकट्ठी हो उस समय वो चीज समझे और समझ करके स्वयं भी जागृत हो और दूसरों को भी जागृत करने का क्या करे, प्रयत्न करे। बच्चों के ऊपर समय समय पर कितने अन्याय अत्याचार होते हैं, बच्चों में बच्चे भी आते हैं, बच्चियां भी आती हैं, उसमें हर जमाने के अंदर कुछ ना कुछ कानून बनाना पड़ता। अब भी जो है छोटे बच्चों को काम नहीं देना, उनसे जो श्रम नहीं करवाना, बाल श्रम के बड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी फैक्ट्री वाले हैं, खदान वाले हैं, जंगलों में काम करने वाले हैं, दूर दरार के अंदर फैक्ट्री लगाने वाले हैं, ये कानून को धता बता करके छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी क्या करते हैं, करवाते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई का समय है, उनके पढ़ने का समय है, खेल कूदने का समय है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जाता है। जितना उनको भोजन देना चाहिए उतना भोजन तक नहीं देते और उनको भूखा रख करके काम करवाते हैं, आज भी ये हालात। तो दुनिया के अंदर बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार तो होते ही रहे और उसके लिए बड़े बड़े नियम कानून और जो संस्थाएं वगैरह काम करती रही हैं। इस प्रकार नारी जाति भी समाज का इतना महत्वपूर्ण अंग है, एक स्त्री के बिना कभी घर घर नहीं बनता,
स्त्री के बिना कभी जो परिवार बढ़ता नहीं है, स्त्री के बिना रिश्तेदारी बनते नहीं है, स्त्री के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन उसके ऊपर जितने अन्याय अत्याचार किए गए हैं कि सदियों सदियों तक न मालूम कितने कितने समय तक ये अन्याय अत्याचार क्या करते रहे, चलते रहे। इसलिए इस विषय को पुरुषों के अंदर रखा, सातवें पुरुषों का विषय रखा है कि नारी जाति के ऊपर अन्याय करना ये जो बहुत गलत है, उनको जागरण करना, पढ़ाना और उनकी अपनी सत्ता अपने उनको जो अधिकार देना ये समाज का क्या फर्ज है, ये लोग समझे जाने और इसके अंदर जागरूक रहें और ऐसा अन्याय अत्याचार न करें। इसलिए ये जो है विषय इसके अंदर अलग 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 जो विषय रखे इन विषयों को भी रखा गया है। और आजकल तो जो है एक आंदोलन ही चल रहा, बेटी बचाओ का आंदोलन है, क्योंकि दुनिया भर में भ्रूण हत्या का जो मामला चल गया था। और वो जो अल्ट्रासाउंड वगैरह वो आविष्कार तो इसलिए किया था कोई बच्चा लूला लंगड़ा जन्म लेता है, अभिषेकित जन्म लेता है, जन्म से ही पेट में बीमार होता है तो उसका इलाज कर सके, जन्म लेने से पहले उसका इलाज कर सके, इसलिए वो यंत्र बना कि पेड़ के अंदर बच्चे होते ही जन्मने से पहले भी उसको देखा जा सके। ठीक ठाक तो है, अच्छा तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है, उसके सारे अंग प्रत्यंग सब विकसित हो रहे हैं, कोई जो ऐसी बीमारी तो नहीं लगी उसको, जिससे कि जन्म लेने वाला बच्चा स्वस्थ क्या करे जन्म दे, उसके लिए बनाया था। लेकिन लोगों ने क्या यूज किया उसका कि वो ये पता लगाओ भाई लड़का है या लड़की है, और लड़की है तो उसको अवर्षण करा दो, उसको मार दो, खत्म कर दो। अब ऐसे कितने हजारों लाखों करोड़ों ने लड़कियों को क्या कर दिया, मार दिया। अब ये कानून बनाने पड़े, नियम बनाने पड़े, दुनिया भर के नियम बने कि भ्रूण हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। भ्रूण फिर आंदोलन हो गए, लोगों ने शिकायत की, न्यायालय के अंदर चले गए, सरकार के ऊपर दबाव डाला, तब जाकर के भ्रूण हत्या के ऊपर क्या हुआ है, कानून बने। और कानून बनने के बावजूद आज कहानी की सुरक्षा होती, जगह जगह पर ऐसी घटनाएं क्या करती हैं, घटती हैं। इसलिए आज की सरकार का जो ये नियम है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, एक तो बचाना और एक पढ़ाना। और जब उन्होंने यहाँ तक कहा भाई अब इस तरह से मानते नहीं हैं, तो ये कहा भाई बेटी जन्म लेती है तो माँ के लिए उसके लिए पैसा भी सरकार की तरफ से दिया जाता, वो जन्मती है तो उसके लिए और उसकी पढ़ाई के लिए भी सरकार की तरफ से दिया जाता है उसको जे, और वो कहते हैं भाई उनकी शादी के लिए जो फिर वो पैसा इकट्ठा करना पड़ता है इसलिए लोग मार देते हैं। सरकार ने ये भी इंतजाम किया उस बच्ची पैदा ही होती है तो उसका फिक्स अमाउंट उसको जो है बैंक के अंदर हम भर देंगे, और जिससे जब तक वो शादी लायक हो जाएगी 2-4 लाख 5 लाख रुपया क्या कर जाएंगे हो जाएंगे, जिससे कि भाई इनको मारो मत। पता नहीं कितनी कितनी विभूतियाँ आती हैं, कितनी कितनी अच्छी आत्माएं आती हैं, और कितनी कितनी हमारे अन्याय अत्याचार के कारण समाप्त हो जाती हैं। इसलिए उनको मारने से क्या करो, उनकी सुरक्षा रखो, उनके पढ़ाने की व्यवस्था, और लड़कियों के पूरी तरह से फ्री के अंदर शिक्षण आज देश के अंदर है, कोई भी लड़की कहीं भी पढ़े पूरी फ्री के अंदर शिक्षा सरकारी स्कूलों के अंदर क्या किया जाता है, दिया जाता है, इतने कानून कायदे बनाए। और बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ का भी चल रहा है, और ऐसे अन्याय अत्याचार के लिए जो पहले से कानून वगैरह बनते रहे हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के समय भी कितने अन्याय अत्याचार होते थे ये महासती चंदन वाला के जीवन से हमारे को पता लगता। चंदन वाला राज परिवार में जन्म लेने वाली, और भगवान महावीर स्वामी के जो राज परिवार था उसकी जो है वो रिश्ते में थी, ऐसा भी नहीं दूर की, और उनके रिश्तों ने उनके साथ किस प्रकार का बेईमानी की, उसकी मां को जीभ निकाल करके हाथ से जीभ खींच करके मरना ये भागी। फिर इसको ऐसी हालात हो गई चंदन बाजार के अंदर ले जा करके बेचा, जैसे पशुओं को बेचते हैं
और वहाँ पर मंडियाँ चलती थी तभी तो ले जा करके बेचा, केवल एक ही चंदना को ले जा के तो नहीं बेचा। वहाँ तो रोज रोज या हफ्ते में या 15 दिन में जैसे पशुओं के मेले लगते हैं ऐसे मेले लगते थे, तो उस मेले में ले जा करके चंदन वाला को क्या किया बेचा। एक उदाहरण है, तो कितने अन्याय अत्याचार थे उस समय, इसलिए उन लोगों ने रखा, इतना महत्व तो दिया। ये सूत्र के अंदर जो नारियों का वर्णन किया, उनके अधिकारों को दिया, और ये जो है सातवें वर्ग के 13 अध्ययन के माध्यम से और 8वें वर्ग में 10 अध्ययन के माध्यम से ये सारी सूचना हमारे को दी, नारी जाति का संरक्षण क्या करना चाहिए, करना चाहिए, अन्याय अत्याचार नहीं करना चाहिए। और जैसे पीछे हमारी सरकार ने 3 तलाक के लिए जो बहुत सी जो मुसलमान महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया, उन्होंने अर्जी की सरकार से भी हमारे को अन्य अत्याचार से बचाया जाए, क्योंकि जो हमारे 2-2 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, कभी भी किसी का झगड़ा हुआ हमारा पति श्री भी ये कह देता है तलाक 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 और हमारे को घर से निकाल देते हैं। अब देखो कितने समाज में कितना आज पढ़ा लिखा समाज है और सारी दुनिया में कितने लोग हैं, लेकिन फिर भी और मुसलमानों में भी एक से एक बढ़ करके विद्वान हैं, एक से एक बढ़ करके पढ़े लिखे हैं, एक से एक बढ़ करके जो धनवान हैं, लेकिन किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। इतना अन्याय अत्याचार होता किसने उठाया, राज परिवार हैं, रजवाड़े के मालिक हैं, राजा लोग हैं, अपरंपार संपदा में रहने वाले हैं, दुनिया भर के जो फिल्मों के अंदर काम करने वाले हैं, अरबों की रुपया कमाने वाले हैं, लेकिन उस तरफ किसने क्या किया। जबकि राजीव गांधी के समय तो न्यायालय ने फैसला दे दिया फिर उसको भी पलट दिया, लेकिन मोदी सरकार ने कहा नहीं ये जो है हम इसका नियम क्या करेंगे बनाएंगे। उस समय कितना विरोध हुआ, मुल्ले मौलवी जितने भी हैं जितने भी विद्वान हैं सारे कहते हैं नहीं 3 तलाक होना चाहिए हमारा अधिकार। कितना बड़ा अन्याय अत्याचार है, और हमारा समाज भी सोचता भाई ये लोग कैसे राक्षस लोग हैं, हलाला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, 3 तलाक किसी को भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बंधु अपने समाज में भी कोई कम अन्याय अत्याचार नहीं हुए। पहले बहुविवाह चलता था तो कानून बन गया इसलिए बंद हो गया, बहुविवाह का था, और ये बहुविवाह के साथ साथ सती प्रथा का था, किसी के 2 पत्नियां किसी के 4 पत्नियां, आदमी मर गया तो उसके चीता के साथ ही स्त्रियों को जला दिया जाता। आज से 100 वर्ष पहले तो आम बात थी, लाखों करोड़ों ऐसी नारियां थी, हिंदू लड़कियां हिंदू नारियां, उन लोगों को पति के साथ जिंदा जला दिया जाता। और शादी में जैसे मुसलमान होते हैं ऐसे 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 शादियां होती थी। अब शादियां हो गई, लड़कियां छोटी छोटी हैं, पत्नियां छोटी छोटी हैं, आदमी मर गया और मर गया तो सबको क्या कर दो, सारे को, एक को नहीं जितने उसकी पत्नियां सबको सती करके क्या कर दिया था, जला दिया जाता था। तो कितना अन्याय अत्याचार था, ये तो मानो अपने समाज के अंदर ऐसे सुधारक लोग आते रहे, क्रांतिकारी लोग आते रहे, उन्होंने अपने समाज में सुधार करने का बीड़ा उठाया, उन्होंने कहा नहीं इन अन्याय अत्याचारों को रोकना है, इसलिए रुक गया। वरना एक को भी जला करके मारने में कितनी तकलीफ होती है, कितना बड़ा दुख दर्द की बात रहती है, 3-3, 4-4 औरतों को एक मुर्दे के साथ बात करके वो इसे जला करके नष्ट कर देते। अगर बागदी के वहां से कोई निकले आग लगे तो आदमी तड़पेगा ही, तो उसको पत्थर मार मार करके लकड़ी मार मार करके उसको क्या कर देते थे, मार देते। समाज में कितना अन्याय अत्याचार होता रहा। और बंधु विधवाओं के लिए तो आश्रम हम जब हमने ही देखा, हमने अनुभव किया 30-40 वर्ष पहले विधवाओं की क्या हालात, कोई अधिकार नहीं, कोई शक्ति नहीं,
उनके साथ पशु से भी बदतर जीवन जीना पड़ता था। न नया कपड़ा पहन सकते थे, न बालों को रख सकते थे, न पहन सकते थे, न किसी फंक्शन में जा सकते थे। अपने बेटे की शादी हो रही है, बिटिया की शादी हो रही है, उसमें जा नहीं सकते थे। कोई मंगल काम करना नहीं, बेटे की शादी हो रही है, उस शादी के अंदर जाने के लिए मना, क्योंकि ये तो बिरवा है, ये तो अशुभ है। अब मां कभी अशुभ होती? और बेटे के लिए मां से बढ़कर के क्या होता? मां जाके तिलक नहीं कर सकती थी, मां जाकर के बोली जे ला नहीं सकती थी, अपनी जे बहू को प्रवेश नहीं करवा सकती थी, क्योंकि तू तो विधवा है। और ऐसे ही लाखों करोड़ों विधवाओं के लिए कितना अन्याय था, कितना अत्याचार था, कितने दर्दनाक काम होते थे। ये तो समझ लो अपने समाज के अंदर थोड़े अच्छे लोग आते रहे, वरना जैसे मुसलमानों के अंदर आज को देख करके पीछे देख करके हम लोग करते थे ना, क्या आदमी है, ये लोग कितने क्रूर है, उससे ज्यादा क्रूरता अपने हाथ। जहां अज्ञान होता है वहां पर ऐसे होता है। विधवाओं के लिए कितना कुछ हुआ, फिर जो है सरकारें जागी, लोग जागे, उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने आगे बढ़ाया और बढ़ करके फिर ये सारे नियम कानून बनवाए कि विधवा का विवाह हो सकता है। उसका क्या, जब आदमी विवाह कर सकता है तो लड़कियां क्यों नहीं विवाह नहीं कर सकती, क्यों नहीं स्त्री विवाह नहीं कर सकती? फिर जो है वो विधवा विवाह के जो है वो सर कानून बन गए। लेकिन उन कानून को अप्लीमेंट करने में भी कितना टाइम लगा। ये जो सती प्रथा है, 100 वर्ष कानून बनने के बाद 100 वर्ष लगे उसको दूर करने, क्योंकि दिमाग में इतना घुसा दिया जाता है उस चीज को। और क्या क्या अन्य अत्याचार दुनिया के अंदर नहीं होते, और आज भी दहेज की घटना है तो सब जगह देखते हैं। इतने कानून बने हुए हैं, इतने कायदे बने हुए हैं, इतने न्यायालय बने हुए हैं, इतना सब कुछ होने के बाद आज हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं दहेज के कारण वो जो है उनकी दुर्गति क्या करती होती। एन जब शादी होने लगी, फेरे पड़ने लगे, वो फेरे के अंदर आ रख देते हैं तो इतना इतना दोगे तो फेरे पड़ेंगे, वरना नहीं पड़ेंगे। वो तो कुछ जो ऐसी लड़कियां पैदा हुई हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई, थोड़ा जो बड़ी उम्र हो गई शादी की, इसलिए आज की लड़कियां अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो उसी समय जूता लेकर के पीटना शुरू कर देती हैं, जाओ भागो, ऐसे नालायकों से मैं शादी करूंगी, इस तरह से बारात को वापस कर देती हैं और उनको मार पीट करके गाँव से भगा दिया जाता है, तब जा करके थोड़ा सा ये वरना बंधु बाल विवाह था, उसमें क्या देखना क्या नहीं देखना। जिसको पशु की तरह किसी के साथ बांध दिया, बस ठीक है उसी तरह से जिंदगी व्यतीत करे, कितने अन्याय अत्याचार थे। लेकिन ये धीरे धीरे दूर हुए हैं, किने किया है, लेकिन पर्दे के पीछे आज भी बहुत से अन्याय अत्याचार होते हैं। और दहेज के लिए तो अब कोस कोस करके, एक आत्मा को कोस कोस करके, ताना मार मार करके अगर उनकी आत्मा को तकलीफ देते हैं तो इससे भी अन्य अत्याचार इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मानसिक रूप से इतना टॉर्चर करना, तो ये तो समझने की बात है। तो ये जो सातवें जो परिचन पर्व है, इनका विषय है नारी जागरण और नारी उत्थान। और आज जो है ये नारी जागरण ये हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई का जो सम्मान दिया गया, उनको अधिकार दिए गए, तो आज स्त्रियां कितना काम कर रही हैं। कोई वैज्ञानिक महकमा नहीं है जिसमें अंदर काम नहीं कर रही हूँ, कोई न्यायालय ही नहीं जिसके अंदर काम नहीं कर रही हूँ, ना न्यायाधीश के रूप में वो काम कर रही हैं, पुलिस वालों में वो इतना काम करती हैं, पुलिस वाला जितना नहीं संभालता उतना वो क्या करती हैं। आज IAS बनती हैं, तो लड़कियाँ जो छोटी छोटी लड़कियाँ, पतली दुबली लड़कियाँ जो IAS का जो है वो बनती हैं, वहाँ जाती हैं, उनके रूप को देखो, ऐसा लगता है जैसे काली पैदा होकर के आ गई, अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा लेती। जितना आदमी नहीं कर सकता उतना लड़कियां क्या करती हैं, करती हैं। पुलिस वालों में वो काम करती हैं, और मिलिट्री के अंदर काम करती हैं, हजारों लाखों की संख्या में हुआ। आज देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर के ऊपर जाकर के लड़ना ये लड़कियां संभाल रही हैं,
सीमा सुरक्षा बल के अंदर वो काम कर रही है, अध्ययन में, अध्यापन में, सेवा में, हॉस्पिटलों में कोई ऐसी जगह है जहां पर लड़कियां नहीं कर रही हो? कर रही हैं, क्योंकि उनको जिस समय अधिकार मिले, पढ़े लिखे बड़े हुए, उनको समझ आ गई तो अधिकार मिल गए तो आज हर जगह क्या कर रही, काम कर रही। पीछे जो है प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि स्वच्छ भारत का आह्वान किया, और स्वच्छ भारत के साथ सबसे पहला आह्वान रखा कि देश के अंदर हर घर के अंदर, गांव हो बड़ा हो छोटा हो, लेकिन वहां पर शौचालय होना चाहिए। उन्होंने बहुत से लोगों को इसका सदस्य बनाया और बहुत सी लड़कियों ने, बंधु हजारों ऐसी लड़कियां थी जो गांव के अंदर ब्याही गई, उन्होंने सबसे पहले पूछा तुम्हारे घर में शौचालय है तो शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी, मना कर दिया। तो लड़कियां आती नहीं तो फिर शौचालय बनाना पड़ेगा, ऐसे लाखों परिवारों ने इसलिए बनाया। और बहुत से तो शादी करके चले गए, गांव में देखा शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी, छोड़ करके आ गए। शौचालय बनेगा, बनता हो तब आएंगे, वरना नहीं आएंगे, अपना कमाई करके अपने पेट पाल लेंगे। बंधु लड़कियों ने जब ऐसा काम करना शुरू कर दिया, ये देखा देखी ऐसी लहर फैल गई। आज हम जाके आए उन्होंने एरियाओं के अंदर जो जंगल के बीच में है, नदी के किनारे हैं, बिल्कुल खेतों के बीच में छोड़े छोड़े जो है वो जो गांव बने हुए हैं, जहाँ 50 घर हैं, 60 घर हैं, 10 घर हैं, 15 घर हैं, और वो चारों तरफ जंगल है, बाहर जाने की खूब जगह है, लेकिन शौचालय वहां भी बने हुए हैं। उन्होंने देखा, हम तो विचरण करते हैं ना, पैदल जाते हैं, छोटे छोटे गांव में ठहरते हैं, ऐसे ऐसे सब जगह पर जो है शौचालय बन गए। जब जागृति होती है, जब वो लोग अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, अपनी ताकत को समझते हैं, तो इस प्रकार सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी बड़ी अच्छी तरह से लागू क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। तो नारियों के ऊपर अत्याचार शुरू से चाहा है और आज भी क्या करता है, होता है, लेकिन फिर भी ये जो महापुरुष हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, समाज सुधारक लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, ये आवाज उठाते रहते हैं, उठाते रहते हैं, तो उसमें काफी कुछ कमी तो क्या कर जाती है, आ जाती है। वही परिणाम है आज समाज के अंदर बहुत अच्छी तरह से नारी समाज आगे बढ़ रहा है। विधवा होती हैं तो उनकी शादी भी हो जाती है, और ये अपनी इच्छा से वो कर सकते हैं, और बहुत सी लड़कियां आज ऐसे हैं, अपने कमाती हैं, अपना जीवन देती हैं, अपना सेवा के अंदर रहती हैं, उनको कोई चिंता फिक्र भी नहीं है। और आज जो है ये लड़कियों ने ये बतला दिया, भाई लड़के माँ बाप की जितने सेवा करते हैं उससे ज्यादा हम लोग सेवा कर सकते हैं। और हजारों लड़कियों ने ये बतला दिया कि बेटा और बहू जो तुम्हारी सेवा करेंगे, और बेटी और जमाई उससे ज्यादा तुम्हारी सेवा करेंगे। ऐसे लाखों घटनाएं, लाखों घटनाएं। बहू आती हो कहती मैं तो अलग हो जाती, मैं तो नहीं कर सकती, इनकी सेवा मैं क्यों करूं। कहीं बाहर चले जाते हैं, और ऐसे परिवार देखो आज लाखों परिवार ऐसे हैं जहां पर बेटी वो सेवा करती है, और उनका जो दामाद है वो बेटे से बढ़कर के उनका क्या करता है, ध्यान रखता। और जिन परिवारों ने दो बच्चे होने के बाद हमारी बेटियां आए, हम बेटे के लिए कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे, जिन घरों के अंदर सिर्फ बेटियां आए वो परिवार ज्यादा सुखी है। बेटे वाले जो परिवार हैं कि हमारे को बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, वो दुखी है, वो परेशान है, वो सब अनाथालय के अंदर है, वो सब वृद्धाश्रम के अंदर है, और जिनकी बेटियां हैं वो घर में है, बेटियां संभालती, उनका दामा संभाल लेते, बेटे से बढ़कर के सेवा करते हैं। ये जागृति, अधिकार किसी को देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छे बुरे का उनको पता लग जाता है, तो ऐसे समाज के अंदर सुधार क्या करता है, होता है। तो ये जो साधना जो है परुषण महापर्व है, ये आज का विशेष विषय है, जिसके अंदर नारी जागरण और नारी उत्थान और उसका परिणाम आज सारा देश क्या कर रहा है, देख रहा है। ऐसे अलग अलग विषयों के ऊपर ये जो अंतगढ़ सूत्र के अंदर विचार रखे गए हैं, अंतगढ़ सूत्र के अंदर सारी बातें रखी गई हैं, और उनका विवेचन सामान्य रूप से आप लोगों ने यहाँ पर सुना।
और कल क्षमापना महापर्व। ये नंदा, नंदावती, नंदोत्तरा, नंद श्रेणिका, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवा, भद्रा, सुवत आदि जो है 13 महाशक्तियों के माध्यम से ये नारी जागरण का संदेश भगवान महावीर स्वामी ने दिया। अगर नारी को समय पर अगर अधिकार मिले, उनको बात्सल्य मिले, उनका पालन पोषण अच्छा हो, उनको संस्कार दिए जाएं, तो अपने घर के लिए तो स्वर्ग रूप होती हैं, परिवार को भी स्वर्ग के रूप में परिवर्तित कर देती हैं और आखिर में जाकर के कर्मों को तोड़ करके मोक्ष के अंदर भी चली जाती हैं। और कल का विषय है क्षमापना, क्षमा। संवत्सरी का सबसे बड़ा संदेश है क्षमा। तो कल क्षमा के विषय में बात होगी और आज 7 दिन हो गए, देखते देखते पुरुषण के ये दिन भी जो 7 दिन तो समाप्त हो गए और कल का 8वां दिवस है और कल का भी भरपूर जो भी तपस्या आराधना साधना जो कोई कर सकता है अपने करके घर में रहते हुए इनकी आराधना साधना करनी है। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से थोड़ी देर के लिए बोलेंगे, मिलता है, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है, शांति गुरुवर प्यारे प्रवर तक शांति गुरु प्यारे, जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के से पचखान नवकारसी पुरुषी दो पुरुषी एकलठाणा एकासना आई मिल नेवी उपवास निर्जल उपवास बेला तेला चोला पंचोला छोला 7 उपवास और उससे आगे गंठे मुट्ठी छल्ला आदि 10 प्रकार के पचखान जिसकी भी जो जो मन धारणा के अनुसार पचखान हो उनको जो पचखान सामूहिक रूप से करवा रहे हैं अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से, अपनी आत्मा की साक्षी से, अपने अपने मन धारण के अनुसार पचखान मंगल अपने अपने धारण के अनुसार करना कराना अनुमोदन का त्याग 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 वो सरे वो सरे वो सरे चैतावारम्भाशम चकवट्टी संति संति करे लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तम अरिहंतालोत्तम सिद्धालोत्तम साऊलोत्तम केवली प्रणतो धम्मोलोत्तमो
चत्तारी शरणं भवज्यामि, अरिहंते शरणं भवज्यामि, सिद्धे शरणं भवज्यामि, साहु शरणं भवज्यामि, केवली प्रणत्तं धम्मं शरणं भवज्यामि, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा, अंगुष्ठे अमृत वसे लवनित रामंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मनवांछित फल दाता, भावे भावन भाइये भावे भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण, तीखो तो आया ही न पया ही करे मी ब्रह्म स्वामी सकार मी सम्मान मी मंगल दिव्य चे तो आया ही न पाया ही न करे मी वन्ना ब्रह्म स्वामी सकार मी सम्मान मी मंगल देव्यं चेयं पज्वासं तीखो तो आया ही न पाया ही न करे मी वन्ना ब्रह्म स्वामी सम्मानी।